दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है, जेन्युइन पंप ओरिजिनल पंप पार्कर का ही है, जेसीबी का ही है, बस पैकिंग अलग आती है, यह बोलकर बहुत सारे कस्टमर को बेचा जाता है। नतीजा क्या होता है, 6 महीने बाद, साल बाद वो पंप फेल होता है। तो ये पुराना पंप देख सकते हैं, मैं आपको नया भी दिखाऊंगा। इस बार शोरूम का पंप किस तरह से आता है, क्या कंडीशन होती है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। अगर आपको कोई बोलता है कि ये ओरिजिनल है लेकिन पैकिंग नहीं है, तो भी देखो, अगर आप कोई भी ऑथराइज डीलर जेसीबी से लेते हो तो इस तरह से बॉक्स मिलता है, उस पे उसका वेट, डिलीवरी, पार्ट नंबर, प्राइस टैग सब कुछ होता है। वो पंप हमने बॉक्स से यहाँ पे निकाल के लाया है। मैं बिटाने ही वाला था लेकिन सोचा यार इस तरह का वीडियो चैनल पर एक भी मौजूद नहीं है तो बनाना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं सीरियल नंबर और उनका इंटरनल नंबर, ऐसे दो नंबर आते हैं इस प्लेट पे। पार्कर नाम ऊपर लिखा होता है और यहाँ नीचे जो बॉडी है, दो बॉडी एक जगह पे मैच होती है, यहाँ पे दोनों बॉडी पे नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। ये दो छोड़ के ये तो आपको डुप्लीकेट में भी मिल सकता है, ठीक है। ये डस्ट प्रोटेक्शन कैप भी होती है, इस तरह से थोड़ी सी प्रोफेशनल दिखती है, कंपनी की आप साफ तरह से पहचान सकते हो, ठीक है। बॉडी के दो नंबर हो गए, नीचे से भी होता है, ऊपर से भी होता है, बॉडी के साइड में नंबर होता है, नीचे की बॉडी पे भी नंबर होता है जेन्युइन में। उसके अलावा जो फ्लैंज होती है ऊपर की, उसमें हल्का सा गोल्डन कलर दिया होता है, हल्का सा गोल्डन कलर आपको दिखेगा फ्लैंज की ऊपर की साइड पे, जहां हम पैकिंग और एनाबोन लगाते हैं वहां पे। फिनिशिंग आपको A1 दिखेगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऊपर का शाफ्ट है उस पर भी सीरियल नंबर और ये दो ग्रीन और येलो कलर के दो डॉट रहते हैं हमेशा। जहाँ से भी आप पंप लेते हो आपको टैक्स इनवॉइस पक्का बिल लेना है, ताकि कुछ गड़बड़ भी हो गई तो कल आपके लिए वो बिल फायदेमंद हो साबित हो। ये P1 और P2 जो हमारे एडाप्टर लगेंगे वो पूरा नहीं डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी डस्ट प्रोटेक्शन कैप होती है इस तरह की, अंदर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल होता है, कहीं पे भी जंग लगा आपको दिखेगा नहीं। यदि आप जेन्युइन पार्कर का पंप लेते हैं, चाहे 2009, 10, 12 या 21 का भी मॉडल हो, लगभग सारे की कीमत 40,000 के आजू बाजू में है। सारे की 40,000 के थोड़ी सी ऊपर नीचे है, दो तीन टाइप के पंप आते हैं, तो वो आप 40,000 के नज़दीक ही सारी पेमेंट है सभी पंप की, 3DX वाले सारे मॉडल की, तो वो एक बात है। अब उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपको देखने को मिल सके।